गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, शास्त्री स्कूल फतेहपुर सहकावाटी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल पे पिछले एक महीने से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, जियोग्राफी, इस प्रकार से बहुत सारे विषयों की रेगुलर क्लासें चल रही है और बहुत सारे बच्चे इन क्लासों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे हैं। अब हम पढ़ रहे थे किरचॉफ के नियम, जो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए। आज का अपना टॉपिक है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। हम वैसे अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ में अपना आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंदी में क्या कहते हैं व्हीटस्टोन, ये तो नाम है, और ब्रिज को अपन हिंदी में कहते हैं सेतु, पुल। तो आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहां से आया, कैसे बना, देखो बच्चों, एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन। कहां के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन थे, जिन्होंने अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या किया था, एक चार प्रतिरोधों एक धारामापी और एक सेल, वह दो कुंजी। मैंने क्या बताया कि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोधों, एक धारामापी, एक सेल और दो कुंजी की सहायता से एक परिपथ का निर्माण किया। इनको ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक परिपथ बनाया, और उसी परिपथ को हम क्या कहते हैं, यहां से जो परिपथ बनाना, इसी परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसी परिपथ को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आई बच्चों बात समझ में, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोधों, एक धारावापी, एक सेल, दो कुंजी की सहायता से एक परिपथ बनाया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु नाम से जानते हैं। इन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्या दिया गया, व्हीटस्टोन सेतु नाम दे दिया गया। अब बच्चों बात करते हैं जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है हम कुछ भी पढ़ते हैं उससे पहले इस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भौतिक विज्ञान में अगर ये नहीं होता तो क्यों, परिभाषा में पता है जरूरत तो ये इसलिए पड़ी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो आप कहोगे कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का और कोई तरीका नहीं है क्या, बताओ अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें कहीं कोई तरीका पढ़ा है ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का, पढ़ा है क्या भाई हमने, जैसे कैसे, वो सिचुएशन भी तो देखनी होती है ना, कि ये जैसे तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दो का मान अपन को पता है और तीसरे को ज्ञात करना है, दो का जो पता है ना तीसरे को ज्ञात करना, अज्ञात वहां से अंदर निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो अज्ञात प्रतिरोध है वो साधारण संयोजन से नहीं निकाला जा सकता, उनके नियम से नहीं निकाला जा सकता, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से साधारण परिपथ से नहीं निकाला जा सकता, बट किरचॉफ के नियम की सहायता से
व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो बच्चों मैंने बताई आपको परिभाषा, क्या बताई है परिभाषा। अब बताने जा रहा हूं बनावट, किसकी बनावट, व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखना तो इसका निर्माण करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे होता है। मैं देखो बच्चों बनावट जो है ना उसकी जो थ्योरी है वो साथ साथ बोल रहा हूँ यहाँ से, तो आप लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, वैसे नोट्स आपके पास उपलब्ध हो ही रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया, हम पढ़ रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन निर्माण कैसे होता है इसका वो देख रहे हैं। मैंने कहा कि चार प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध चार, अब जुड़े हुए कैसे रहते हैं वो देखना है। दो दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े रहते हैं और फिर वो समांतर में ऐड होते हैं इस प्रकार से, देखना। ये है दोनों श्रेणी में, इस बिंदु का नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी और इस बिंदु का नाम दे दिया सी, ठीक है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको माना अपन ने पी और इस रेजिस्टेंस को माना अपन ने क्यू, ठीक है ना। ये है यहां पर पी और ये है यहां पर क्यू, दो प्रतिरोध है जो कौन से संयोजन में संयोजित है श्रेणी। अब दो और लेते हैं नीचे की तरफ, ये लो ये बिंदु है अपना डी, ये आर ले लिया और इसको अपन ने एस ले लिया, देखो ई क्यू आर एस क्रम से ले लिया। वैसे आप आर वन आर टू आर थ्री आर फोर भी ले सकते हो, अपने पे डिपेंड करता है अपन क्या लेते हैं। मैंने चार प्रतिरोध लिखा है कि चार प्रतिरोध चार जोड़ दिए, उसके बाद में मैंने कहा दो कुंजीर एक सेल एक दारा, सेल कहां जुड़ता है, मैंने अभी तो कहा आपको कि भाई ये दोनों मैं कौन से में ले रहा हूँ श्रेणी में, ये दोनों मैं श्रेणी में, ये कब हो सकते हैं जब ए और सी बी के मध्य अपन क्या जोड़े एक सेल जोड़े तभी तो हो सकते हैं, नहीं तो आपको क्या पता कि ये श्रेणी में है कि, अपने हिसाब से तो चारों श्रेणी में ही तो है, ये है कि नहीं, ऐसा ही तो बोलते हैं ना। तो देखो यहां से बिंदु कौन सा, ये बिंदु था अपना सी, बी तो दे दिया ना यहां पर, इन दोनों के मध्य एक सेल जुड़ा हुआ है, ये रहा सेल, ये यहां पर एक कुंजी है के वन, ये सेल है इसका ईएमएफ ई है और अगले सिरे से ऐड कर दिया। आए बच्चों बात समझ में। अब मैंने कहा एक सेल और एक धारा मापी वो कहां जुड़ती है, वो यहां बिंदु बी और डी के मध्य में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, बताऊंगा क्यों जोड़ा जाता है, और फिर एक कुंजी के टू जोड़ी जाती है। बच्चों जो परिभाषा अपन ने लिखी थी वो यहां से अपने कंस्ट्रक्शन में काम में ली, उसी से अपन ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आपको बताया कि इससे धारा जाएगी आई, पहले मैं ये बता देता हूं जरूरत क्यों पड़ी। ई आपको पता है किस लिए चाहिए, जो अपना सॉरी सेल किस लिए चाहिए, धारा उत्पन्न करने के लिए। कुंजी किस लिए, कुंजी धारा को रोकने के लिए या धारा को जानने के लिए, ठीक है ना। वो कुंजी नहीं होती तो धारा कभी रुक नहीं सकती, ठीक है। फिर ये जो रेजिस्टेंस लिए, ये जो चार रेजिस्टेंस लिए, इसका उद्देश्य अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, ये किसकी छोरी थी खुद की व्हीटस्टोन की, ठीक है। ये जो ले रहे हैं गैल्वेनोमीटर, ये विक्षेप नोट करेगा, क्या नोट करेगा, विक्षेप इसमें धारा में उत्पन्न विक्षेप को नोट करेगा, ठीक है ना। ये केटू जो कुंजी है ये किस लिए, यहां पर आने वाली धारा को रोकने के लिए, ठीक है ना। केटू ले लिया, जब अपन डॉट हटा देंगे तो रुक जाएगी, और ये भी रेजिस्टेंस है इनको ऐड कर दिया। तो ये बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन थी, क्या थी कंस्ट्रक्शन, जो की क्या हो गई यहां पर कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या पढ़ते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस, काम कैसे करता है, वर्किंग प्रोसेस, या अपन ऐसा कह सकते
प्रोसेस में क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है इसका, सिद्धांत रहता है इसका, है ना। और प्रिंसिपल के साथ में यहां पर संतुलन अवस्था भी आती है। कौन सी अवस्था आती है? संतुलन अवस्था आती है, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना है। या तो प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल तो है ही ना, और प्रिंसिपल के साथ में इसी में आपके लोगों के पास में वर्किंग प्रोसेस में क्या रहेगी, संतुलन अवस्था। अब संतुलन अवस्था क्या होती है वो भी बताएंगे। सिद्धांत ये किस पे काम करता है, सबसे पहली बात ये बच्चों, सिद्धांत यही है कि ये जो दो प्रतिरोध लिए जाते हैं ये आनुपातिक प्रतिरोध लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रतिरोध होता है ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, ये जो प्रतिरोध होता है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसलिए इस शाखा को आनुपातिक शाखा, इसको भी आनुपातिक शाखा, इस शाखा को अपन ज्ञात शाखा, इस शाखा को अपन अज्ञात शाखा, और इस शाखा में सेल जुड़ा है इसलिए इसे हम सेल शाखा, यहाँ पर धारावापी जुड़ी हुई है इसलिए इसे धारावापी शाखा कह सकते हैं, ठीक है ना। अपन कहां से वर्किंग प्रोसेस काम कैसे करेगा, अब देखो यहां से करंट गई आई, ठीक है ना, बिंदु ए पे करंट आई दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर तो चली गई I1 और इधर चली गई I2। बताऊंगा मैं संतुलन अवस्था क्या होती है वो देखना, पहले आप पहले ये देख लो करंट का विभाजन। और यहां पर ये करंट गई I1, जो यहां से धारा मापी से जा रही है उसमें से, तो धारा मापी से मैंने माना करंट जा रही है IG, तो इधर से अब कितनी करंट जाएगी बच्चों, ये थी I1, IG से निकल गई तो कितनी बची, I1 माइनस IG बची, ठीक है। फिर इधर ये करंट कितनी, कितनी भाई IG आ रही है, ये करंट कितनी है I2, दोनों जुड़ के इधर कितनी हो गई I2 प्लस IG हो गई, हुई कि नहीं हुई। और इधर दोनों ये जुड़ के वापस क्या हो गई, I1 प्लस I2, मतलब यहाँ पे कितनी हो गई I1। तो ये तो अपन ने धारा का विभाजन देख लिया। अब मैं बताता हूँ संतुलन बिंदु क्या होती है बच्चों। ये तो है ना ज्ञात प्रतिरोध R, इसे अपन परिवर्तित करते हैं, और इसे परिवर्तित अपन तब तक करते हैं जब तक धारा मापी में शून्य विक्षेप ना आ जाए। धारा मापी में क्या ना आ जाए, शून्य विक्षेप, मतलब ये धारा मापी में ये ना आ जाए शून्य विक्षेप, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जीरो। यहां पर धारा मापी में इंगित होते हैं विक्षेप जीरो, एक दो तीन चार, ऐसे इधर भी होते हैं, ठीक है ना। तो शून्य विक्षेप ये है क्या, ये धारा मापी है, ठीक है ना। शून्य विक्षेप जब तक ना आ जाए तब तक हम इसको परिवर्तित करते रहते हैं, और परिवर्तित वहीं तक करते हैं जहां तक ये शून्य आ जाए, मतलब शून्य आ गया परिवर्तित नहीं करेंगे। और धारा मापी में विक्षेप जब शून्य आ जाता है तो इस अवस्था को संतुलित अवस्था कहा जाता है। मतलब संतुलित अवस्था अपनी जो है ना वो क्या कहलाई, आप यहां से समझ सकते हो कि संतुलित अवस्था यहां पे वो अवस्था होती है जब धारा मापी जो है, धारा मापी जो है उसमें जो विक्षेप है वो कितना है शून्य। मतलब धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप जब शून्य हो जाता है तो यहां पे ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि वह अवस्था जिस पर क्या हो जाए, धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप शून्य हो जाता है, संतुलित अवस्था कहलाती है। आगे बात समझ में, अब देखो संतुलित अवस्था जब ये हो गई है ना, जब ये संतुलित अवस्था हो गई बच्चों, तो यहां पर संतुलित अवस्था में इससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, जीरो। धारा तो आई नहीं रही ना, तो धारा कितनी होगी, जीरो। ध्यान देना इससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। आगे ना बात समझ में, अब देखो जीरो धारा कब हो सकती है, मैंने आपको बताया है कि धारा का मान जीरो कब हो सकता है, जब
विभवांतर का मान शून्य हो जाए। धारा का मान जीरो कब हो सकता है? जब विभवांतर का मान शून्य हो जाए। मैंने ये बताया था ओम का नियम, एक जगह मैंने आपको ये बताया था कि ओम का नियम हमेशा लागू नहीं होता है, कब? जब आर का मान क्या हो जाए? शून्य। अपन ने तो ये पढ़ा कि आर का मान जितना कम होता है उससे प्रवाहित धारा उतनी ज्यादा होती है, लेकिन आर का मान जब शून्य हो जाता है तो धारा प्रवाहित होती नहीं है। क्यों? क्योंकि आर का मान शून्य हो रहा है तो विभव का मान शून्य हो रहा है, और बच्चों विभव का मान जब शून्य हो रहा है ना तो धारा का मान कहां से होगा? धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब धारा का मान शून्य है तो यहाँ पर दोनों बिंदु बी और डी में विभव बराबर है, अर्थात वी बी बराबर। ये चीज आ गई संतुलन की अवस्था। तो इससे अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं कि जितना यहां पर विभवांतर है उतना ही यहां पर विभवांतर है। मतलब ये लिखा जा सकता है, देखना मतलब क्या, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। अब आपको पता है इसका रेजिस्टेंस कितना, धारा कितनी जा रही है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना R, धारा कितनी जा रही है I2। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर, इसका ओम के नियम से विभव कितना आ गया, विभवांतर एक ही बात है, यहां पर दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर इंडिकेट कर रहे हैं VA माइनस VB, तो कितना आ जाएगा I1 इंटू V, I1 इंटू ये P रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? फिर इधर देखो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे दोनों के मध्य धारा कितनी जा रही है I2, रेजिस्टेंस कितना R, तो क्या आ गया I2 into R, समीकरण नंबर एक। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, ये ही यहाँ पर अप्लाई होता है, मतलब ये यहाँ पर बराबर था तो ये भी दोनों क्या होंगे अबे बराबर, मतलब VB माइनस VC बराबर क्या होगा, VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। आई बात समझ में? यहां अपन ने क्या लिखा भाई, VA माइनस VD सही लिखा है। क्या आएगा यहां से, VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC, ठीक है लिखो। तो आपको पता है तथा यहां से मिलता है, क्या मिलता है देखो, VB माइनस VD सॉरी VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। अब आपको एक बात का फिर से पता, जैसे अपन ने यहां लिखा था वैसे ही अपन यहां लिखेंगे, क्योंकि VB माइनस VC मतलब कितना, I1 माइनस IG into Q, आएगा कि नहीं आएगा, तो देखना क्या आएगा अपने पास में, वो देखना बच्चों। इधर लिख रहा हूं मैं ऊपर फोल्डर में, अपने पास में क्या सिचुएशन आ रही है देखना, I1 माइनस IG इंटू क्यू और बराबर में ये वाला क्या, I2 प्लस IG बराबर। लेकिन आपको एक बात का तो पता ही है कि संतुलित है, अवस्थाएं संतुलित है, तभी तो ये दोनों बराबर हुई है। इसका मतलब ये IG कितनी है, जीरो, तो IG को आप क्या करोगे अगले स्टेप में, जीरो, तो ये क्या आएगा I1 Q बराबर I2S, समीकरण नंबर दो। आई बच्चों बात समझिए, समीकरण एक व दो दोनों आ गई अपने पास में। अब अपन को क्या करना है, अपना उद्देश्य क्या है, अज्ञात प्रतिरोध निकालना। ये तीनों ज्ञात है और ये एक अज्ञात है, इसको निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखो, समीकरण एक और दो को जान के रखो, समीकरण एक और दो दिमाग में रखो, बाकी सब कुछ हटा दो, अपने काम की चीजें नहीं रही है, समझ में आ गई ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दो, समीकरण एक में दो का भाग देने पर, भाग देने पर इसमें दो का भाग देना है, यही दे देते हैं। दो क्या है अपने पास में, I1 अपॉन में Q,
इधर क्या है आई टू अपॉन ए, आई वन से आई वन कट गया, आई टू से आई टू कट गया, क्या बचा ऊपर लिख रहा हूं पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, बचा कि नहीं बचा। अपन को क्या चाहिए, अपन को तो एस चाहिए, तो एस चाहिए तो इसको अपन उल्टा लिख सकते हैं ना, जस्ट अपोजिट कर दो क्या हो जाएगा क्यू बटे पी बराबर एस बटे आर, एस चाहिए इसको इधर घेर दो गुणा में, तो एस बराबर आर क्यू बटे पी, ये क्या आ गया अज्ञात प्रतिरोध आ गया बच्चों, क्या आया अपने पास में अज्ञात प्रतिरोध आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध परिकलित कर सकते हैं, तीनों मान क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ये तीनों रखेंगे और चौथा निकालेंगे। ये तो अपन ने संतुलित अवस्था से किया, ठीक है ना। अब अपन करने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम से, यही चीज है, आपको अलग से हेडिंग मिल जाएगी, किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन की संतुलित अवस्था निकालने जा रहे हैं। बच्चों ये जो होती है ना पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ये संतुलित अवस्था है, कौन सी अवस्था है संतुलित अवस्था, अपन ने निकाली ना ये अभी निकाली है, यही संतुलित अवस्था है। तो अपने पास एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियम से संतुलित अवस्था ज्ञात कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज में, किरचॉफ के नियम से संतुलित अवस्था। यहां पर दो लूप बन रहे हैं, पहला लूप तो ये और दूसरा लूप ये, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, देखो तो लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट यहां से शुरू होता है, धारा कितनी है आई वन, रेजिस्टेंस कितना है पी, आगे ले धारा कितनी है आई जी, रेजिस्टेंस कितना है अपन ने इसका रेजिस्टेंस मान लिया जी है, मान लिया अपन, ठीक है। फिर आगे धारा कितनी आई टू, लेकिन जा कौन सी डायरेक्शन में, हम तो जा रहे हैं इधर, धारा रही है इधर, मतलब माइनस आई टू इन टू में आर बराबर में जीरो, ये लो आई बात समझ में, समीकरण नंबर एक। अब लगाएंगे कहा लूप सेकंड में, लूप सेकंड में कहां से शुरू करें, यहां से कर दे आई वन माइनस आई जी इन टू क्यू, इधर गए तो विपरीत दिशा तो माइनस आई टू प्लस आई जी इन टू एस, इधर गए तो वापस विपरीत दिशा तो माइनस आई जी इन टू जी, तो देखो क्या आएगा आई वन माइनस आई जी इन टू में क्यू, फिर विपरीत दिशा में है क्योंकि हम तो जा रहे हैं इधर, धारा जा रही है इधर, तो विपरीत दिशा इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस आई टू प्लस आई जी इन टू में क्या आएगा भाई एस, फिर आगे गए तो वापस माइनस, तो माइनस आई जी इन टू जी बराबर जीरो, समीकरण नंबर दो। आगे संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में क्या आएगा भाई, संतुलित अवस्था में आई जी बराबर आएगा जीरो, तो आई जी बराबर जीरो समीकरण एक में भी रख दो और आई जी बराबर जीरो समीकरण दो में भी रख दो, तो समीकरण एक क्या आएगी आई वन पी, आई वन पी ये हो गया जीरो तो ऑल ओवर जीरो माइनस आई टू आर, तो यहां से ये क्या आ गई बराबर जीरो है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई वन पी बराबर ये लिख सकते हैं जिसे दे दी समीकरण नंबर आई बात, तो बात समझ में। फिर इसमें आई जी का मान जीरो, तो देखो यही से कर रहा हूं, ये भी जीरो, ये भी जीरो और इसकी जगह भी जीरो, तो ये ऑल ओवर टर्म क्या हो गई जीरो, ऑल ओवर टर्म क्या हो गई बच्चों जीरो, इधर से केवल क्या बचा ऊपर लिख रहा हूं देखना क्या बचा अपने पास में आई वन क्यू माइनस आई टू इंटू एस बराबर जीरो, यहां से क्या लिख सकते हैं इसको आई वन क्यू बराबर आई टू एस, समीकरण नंबर। अब अपन क्या करें, समीकरण तीन में समीकरण चार का भाग देते हैं, क्या करते हैं समीकरण तीन में समीकरण चार का भाग दे देते हैं,
तो आई वन पी बटा आई वन क्यू बराबर आई टू आर बटा आई टू एस, आई टू से आई टू कट गया, आई वन से आई टू कट गया, पी आ गया पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। तो देखो भाई संतुलित अवस्था अपने पास में आएगी नहीं, आएगी पी बटा क्यू आर बटा एस आर बटा एस। तो ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज था जिसमें जो आपके सिलेबस में था लगभग इतना ही होता है, इसमें बताया इतना ही गया है, सारा का सारा अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है। अब बच्चों आपको रिवाइज करना है, मेरे हिसाब से पहली बार में समझ आ जाएगा, और पहली बार में अगर नहीं आए तो अपना कोई खर्चा नहीं लगता, आप वापस शुरू से जाएंगे पुनः इसे देखेंगे समझ में आएगा। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मीटर सेतु, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मीटर सेतु पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।